हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्रेटर विद एडजस्टमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक एडजस्टमेंट्स पे डिस्कस किया था, जस्ट लाइक एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न एंड डिप्रिसिएशन। ओके, हमने इनके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट देखे थे और साथ में इनकी कुछ जर्नल एंट्रीज पर डिस्कशन किया था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और फर्दर एडजस्टमेंट्स पर डिस्कशन करेंगे और वैसे ही उसका ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट देखेंगे, प्लस उनकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास होगी ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे सामने बना हुआ है फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, डेबिट और क्रेडिट साइड। ये ऊपर वाला पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट का है, नीचे वाला पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का है, और उसके बाद फिर बैलेंस शीट लायबिलिटीज एंड एसेट्स, लायबिलिटी का नेचर, क्रेडिट का एसेट का नेचर, डेबिट का। अब मैं वन बाय वन एडजस्टमेंट्स देखता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा और उन एडजस्टमेंट्स के इसमें क्या ट्रीटमेंट होंगे और उनकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेंगी हम उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट इसके अंदर है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट क्या होगा? देखिए, आपको जो ट्रायल बैलेंस गिवन होगा उस ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको कैपिटल गिवन होगी। तो लो जी, ये कैपिटल कौन सी साइड में मिलेगी? क्रेडिट साइड में। लेट सपोज आपकी कैपिटल है 5 लाख और आपको एडजस्टमेंट दे दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एट द रेट 5%। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। अब इसका फाइनेंशियल चार्ज करना है मीन्स अभी तक चार्ज नहीं हुआ। चार्ज हुआ होता तो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड होता, बट अभी तक चार्ज नहीं किया तो हमको चार्ज करना पड़ेगा। ठीक भाई, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होगा? देखिए, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जैसे जो एडजस्टमेंट होता है ये एज पर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्रिएट होता है। देखिए, होता क्या है, एक साइड होता है बिजनेस और एक साइड होता है बिजनेसमैन, और हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है कि दोनों अपने आप में सेपरेट एंटिटीज हैं। फाइन, और ये माना जाता है कि बिजनेसमैन इनिशियली कैपिटल बिजनेस को देता है विच विल बी कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। तभी आपने देखा होगा कि कैपिटल को हम लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। कैपिटल विल बी कंसिडर्ड एज एन इंटरनल लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या है, अपने आप में एक इंटरनल लाइबिलिटी है। ओके फाइन, अब वैसे तो इस कैपिटल का रिवॉर्ड जो होता है बिजनेस प्रॉफिट के फॉर्म में देता है, बट कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मेंशनड होता है। वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट सोल प्रोप्रेटर में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब आप क्लास 12th में पढ़ेंगे तो वहां पर पार्टनरशिप फर्म के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर एक्चुअली ये ट्रांजेक्शन होता है। एनीवे, अगर कैपिटल एक ऐसा लोन है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया तो इंटरेस्ट एक ऐसा एक्सपेंस होगा इस कैपिटल के ऊपर, बिजनेस इंटरेस्ट देगा बिजनेसमैन को, तो ये बिजनेस के लिए एक टाइप का एक्सपेंस है और बिजनेसमैन के लिए एक टाइप की क्या है, ये इनकम है। बिजनेस देगा बिजनेसमैन को, तो बिजनेस का एक्सपेंस, बिजनेसमैन की इनकम, तो बिजनेस का एक्सपेंस जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, बीइंग एन एक्सपेंस, और कौन सा एक्सपेंस है ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको मिलेगा, बिजनेसमैन को मिलेगा, तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। और बिजनेसमैन का बिजनेस में कौन सा अकाउंट है, कैपिटल के नाम से, तो उससे उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, और इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, अब कैपिटल कितनी है 5 लाख, तो 5 लाख का 5% 25,000 will be what interest on capital। तो ये इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी और फिर इसको P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इसके ट्रांसफर की एंट्री डालनी है आपको, P&L डेबिटेड टू व्हाट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 25,000 एंड 25,000। फाइन, ये इसकी जर्नल एंट्रीज है। अच्छा, इस पे रूल्स देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों किया, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, और कौन सा एक्सपेंस है, इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसीलिए कहां ट्रांसफर हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, और कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन लायबिलिटी, और वी कैन से इंक्रीज इन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। अब साहब, ये तो आपने इसकी जर्नल एंट्री बता दी, इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कहां पर एडजस्टमेंट होगा, आपने तो समझ आ गया होगा कि एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये P&L के डेबिट में जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000, और नीचे जो हम कैपिटल लिखेंगे उस कैपिटल में जैसे हम नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्रॉइंग्स माइनस करते हैं, तो नीचे उसमें आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000। लेट्स सपोज ये 5 लाख है, फिर वैल्यू प्लस करके और माइनस करके फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू होगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। फाइन, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड तो नहीं होता, चार्ज्ड ऑन बिजनेस बाय द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन बिजनेस से चार्ज करता है, तो बिजनेस उसको अपने आप के लिए एक एक्सपेंस अज्यूम करता है,
तो उसको एक्सपेंस को डेबिट करेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो पीएनएल जाएगा, कैपिटल में प्लस होगा क्योंकि कैपिटल इज एन अकाउंट ऑफ द ओनर, ओनर का अकाउंट है तो इट विल बी एडेड टू द अकाउंट ऑफ द ओनर। जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एडजस्टमेंट, इसका रिवर्स चलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए मैं फिर वही बता रहा हूं आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो मैं अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक साइड होता है बिजनेस और सेकेंड साइड होता है बिजनेसमैन, ये दो सेपरेट एंटिटीज होती हैं। ओके मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल एक ऐसा लोन है विच इज पेड बाय द बिजनेसमैन टू द बिजनेस, कैपिटल इज पेड बाय द बिजनेसमैन टू द बिजनेस, तो इसके ऊपर ये क्या है एक टाइप की लाइबिलिटी होती है। और इसके अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस विल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द बिजनेसमैन। इसके कॉन्ट्ररी ड्रॉइंग एक ऐसा लोन है जो बिजनेस देता है बिजनेसमैन को अपने पर्सनल यूज के लिए, अब किसी भी काम के लिए, बिजनेस को उससे मतलब नहीं। बिजनेसमैन ने पैसा अगर बिजनेस से लिया तो बिजनेस उसको एक टाइप का लोन अज्यूम करेगा, एक ऐसा लोन जो अब बिजनेस ने बिजनेसमैन को दिया है, तो इट विल बी एन एसेट फॉर द बिजनेस एंड लाइबिलिटी फॉर द बिजनेसमैन। ओके अब जब कैपिटल लगा रहा था बिजनेसमैन बिजनेस में तो बिजनेस उसको इंटरेस्ट दे रहा था जिसको आईओसी बोला, और इसको बिजनेस के लिए एक्सपेंस और बिजनेसमैन के लिए इनकम अज्यूम किया। अब जब ड्रॉइंग्स बिजनेसमैन कर रहे हैं, नाउ बिजनेसमैन विल पे इंटरेस्ट, बिजनेसमैन के ऊपर बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस और बिजनेस की इनकम है, तो बिजनेस की इनकम है तो दिस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी क्रेडिटेड बीइंग एन इनकम। और क्योंकि बिजनेसमैन से लेगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनना चाहिए, कैपिटल ऑब्लिक ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, वैसे कैपिटल अकाउंट डेबिट डालने तो बेटर है 10,000, और बिजनेस की इनकम है तो हम यहां लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट रुपीज व्हाट 10,000, ठीक है, और लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज, ठीक फाइन। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज करनी है क्योंकि इसको पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये अपने आप में एक इनडायरेक्ट इनकम है और इनडायरेक्ट इनकम विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 10,000। तो जर्नल एंट्रीज इसकी ये होंगी। और इसका ट्रीटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखिए, इनडायरेक्ट इनकम है तो प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रुपीज 10,000, और लाइबिलिटी में कैपिटल, ठीक है, उसमें नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, अगर कोई आईओसी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो, और आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो तो वो, इधर से ही डिडक्ट हो जाएगा। फाइनली वैल्यू बाहर जो नेट वैल्यू होगी दैट विल बी अवर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो ये बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ऑपोजिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अ रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। तो इनकम है तो क्रेडिट साइड में डाल दी और यहां पर इसका डाल दिया, और उसकी जर्नल एंट्री ये बेसिकली बन जाएगी। अब इसका रूल अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए रूल के अंदर क्या होगा, कैपिटल हमारी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी और डिक्रीज इन कैपिटल विल बी डेबिटेड, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम है तो इनकम विल बी क्रेडिटेड। तो ये बेसिकली हमारा इसका रूल बन जाएगा। एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स, अब हमें यहां पर देखने हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स। एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स का मीनिंग होगा गुड्स के सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न के अलावा और दूसरे एडजस्टमेंट्स, जस्ट लाइक व्हाट, क्या क्या हो सकते हैं उसमें, लॉस बाय फायर, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, हमने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया, उसको और क्या हो सकता है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज एन एडवर्टीजमेंट, तो ये सारे के सारे एडजस्टमेंट गुड्स के ऊपर हो सकते हैं। तो कभी ऐसा हो जाए तो फिर हम किस तरह से इसका एडजस्टमेंट डालेंगे, ठीक है। अब देखिए गुड्स के ये सारे एडजस्टमेंट हैं, इससे कंसर्न आप जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसके एक डेडिकेटेड लेक्चर है ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स का। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गुड्स का कोई भी अगर ट्रीटमेंट होता है इंस्टीड ऑफ सेल्स, तो वो सारा का सारा कहां से एडजस्ट होता है, फ्रॉम द परचेसेस अकाउंट, वी यूज टू डिडक्ट परचेसेस अकाउंट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक अमाउंट, जितना भी होगा हम परचेसेस में से डिडक्ट कर देंगे, ठीक है, फाइन। अब आपको ऊपर परचेस दे दी, परचेस रिटर्न दे दिया, परचेस कहां रिकॉर्ड करते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां लिखा होता है लेट सपोज परचेसेस, उसमें से हम माइनस करते हैं परचेसेस रिटर्न, तो ये माइनस हो गया। अब उसके बाद अब आपको गुड्स का एडजस्टमेंट दिया, लेट सपोज उसने दे दिया कि भाई गुड्स स्टोलन नॉट रिकॉर्डेड वर्थ रुपीज 5,000,
अब गुड्स स्टोलन, गुड्स चोरी हो गया, चोरी हो गया तो इसके दो एस्पेक्ट है, चोरी हो गया तो आपकी परचेसेस कम हो गई, तो आपने क्या किया, लेस लॉस बाय थेफ्ट रुपीज 5000 परचेसेस में से, परचेस रिटर्न के अलावा और ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, और क्योंकि ये चोरी हुआ है तो इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस और अ लॉस, तो इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे टू लॉस बाय थेफ्ट या गुड्स स्टोलन करके 5000 रुपीज यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री अगर मैं बनाता हूं तो जर्नल एंट्री विल बी व्हाट, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, टू परचेसेस अकाउंट, ये हमने कर दी एंट्री 5000 की, ठीक है। और फिर ये जो लॉस बाय थेफ्ट है इसको पी एंड एल में ट्रांसफर दिखाना है, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, ये हमारे पी एंड एल में इसकी एंट्री ट्रांसफर हो गई, ठीक है। रूल्स अगर हम देखें इसमें तो लॉस बाय थेफ्ट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस और बीइंग एन एक्सपेंस कहां जाएगा, ये डेबिट में, परचेसेस हमारी माइनस हो रही है, माइनस एसेट क्रेडिट या डिक्रीज इन एक्सपेंस ये भी बोल सकते हैं, पी एंड एल के अंदर ट्रांसफर हो गया तो हमारा इसका पहला इफेक्ट परचेसेस माइनस होगा और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। अच्छा, इसी में अगर मैं आगे बढ़ता हूं और ये बोलता हूं कि भाई गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया है, गुड्स किया है तो वही सेम टू सेम ट्रीटमेंट, गुड्स का है तो परचेसेस में से जाएगा, लेस व्हाट, फ्री सैंपल लेट्स सपोज 2000 और फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इट इज अवर लॉस और वी कैन से इट इज अवर एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो यहां पर डाल देंगे हम टू फ्री सैंपल रुपीज व्हाट 2000, ये हो जाएगा इसमें। अच्छा, एक इसमें एडजस्टमेंट होता है पर्सनल यूज, अगर पर्सनल जैसे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट, इन सबका यही ट्रीटमेंट होगा, परचेसेस में से डिडक्ट होगा और बीइंग एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। बट अगर ये बोल दिया गया कि गुड्स वर्थ रुपीज 3000 विड्रॉन फॉर द पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज है तो अब क्या बन जाएगा, ड्रॉइंग्स, तो पहला तो गुड्स है तो यहां से तो गुड्स है मींस परचेसेस में से आपको डिडक्ट करना है तो हमने यहां पर कर दिया ड्रॉइंग्स, लेट्स सपोज 3000 और सेकंड इफेक्ट जो हम कैपिटल में लिखते हैं, कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट और माइनस क्या करते हैं, एक ड्रॉइंग्स तो वो जो अंदर गिवन होगी, अगर गिवन है तो वो, और फिर इधर लेंगे हम गुड्स विड्रॉन रुपीज 3000, ठीक है, ये एडजस्टमेंट होगा। इसी में एक फर्दर एडजस्टमेंट चलता है इंश्योरेंस का और ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस का, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। लेट सपोज अगर उसने हमें एडजस्टमेंट में ये लिख कर दिया कि गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 लॉस बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ रुपीज 6,000, 6,000 का इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया, एडमिट किया है, पे नहीं किया, ठीक है। तो अब देखिए हमारा गुड्स जो था वो कितने का डिस्ट्रॉय हुआ है, 10,000 रुपीज का हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है। अब आप इसको समझने के लिए, तो जितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ उतना आप कहां से डिडक्ट कर दें, आउट ऑफ द परचेसेस, तो मैंने परचेसेस में से लिखा लॉस बाय फायर, मेरा गुड्स तो टोटल 10,000 का गया, तो 10,000 का गया तो मेरी परचेसेस 10,000 से माइनस हो जाएगी। अब इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 रुपए का क्लेम एडमिट कर लिया मींस हमको देगी, अभी रिसीव नहीं हुआ, रिसीव होना है, स्ट्रिक्ट टू बी रिसीव्ड, रिसीवेबल है तो इट इज अवर एसेट, करंट एसेट, तो उसको करंट एसेट में डाल देंगे, अक्रूड इंश्योरेंस क्लेम, कितने का क्लेम है 6,000 का। अब मेरा टोटल गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ था 10,000 का, उसमें से इंश्योरेंस क्लेम मुझे मिल जाएगा 6,000 का, तो मेरा नेट लॉस कितने का हुआ 4,000 का, जो जो नेट लॉस है वो पी एंड एल में डाल देंगे, तो यहां लिख दूंगा मैं टू नेट लॉस बाय फायर रुपीज 4,000 और इसकी जर्नल एंट्री क्या बनना चाहिए, इसकी जर्नल एंट्री बनना चाहिए लॉस बाय फायर डेबिट, कितने का नेट लॉस है 4,000 का नेट लॉस है, ठीक है। अक्रूड इंश्योरेंस क्लेम डेबिट, कितने का अक्रूड इंश्योरेंस क्लेम है 6,000 का और क्या माइनस किया हमने टू व्हाट, टू परचेसेस अकाउंट बाय रुपीज 10,000 और जो लॉस बाय फायर उसको कहां ट्रांसफर कर दूंगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक है फाइन। इसके रूल से अगर हम कितने का 4,000 रुपीज का और 4,000 रुपीज का अगर इसके रूल देखें तो रूल यहां पर हमारा बनेगा लॉस बाय फायर इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, अक्रूड इंश्योरेंस क्लेम पैसा मिलना है प्लस असेट डेबिट, परचेसेस हमारी माइनस एक्सपेंस या माइनस असेट क्रेडिट, और फिर उसके बाद हमने लॉस बाय फायर को बीइंग एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने कहां पर ट्रांसफर कर दिया, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ओके। अच्छा, अब एक बात और, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ रुपीज 12,500,
इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा 12,500 का क्लेम एडमिट कर लिया, हमने ओवर वैल्यूड करके इंश्योरेंस कंपनी को बताया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें लकीली ज्यादा का इंश्योरेंस क्लेम एडमिट कर लिया। एडमिट क्या है, पे नहीं किया, तो केस पूरा रिवर्स। देखिए गुड्स कितने का डिस्ट्रॉय हुआ है, 10,000 का, तो इधर से तो पूरा 10,000 ही माइनस होगा। मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं उसमें, तो हम यहां पर माइनस करेंगे लेस लॉस बाय फायर कितना, 10,000, वो तो 10,000 ही माइनस होगा जैसा इसमें हुआ था, क्योंकि गुड्स तो मेरे पास से 10,000 का ही गया। अक्रूड इंश्योरेंस क्लेम जो है अब मुझे मिलने वाला है 12,500 इंस्टीड ऑफ 6,000, प्रीवियस केस में 6,000 था, इस केस में 12,500। अब 10 के बदले जब 6 मिला था तो 4 का लॉस था, यहां 10 के अगेंस्ट 12,500 मिल रहा है, तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2,500, तो मैं यहां लिख दूंगा बाय नेट गेन बाय फायर, ठीक है, कितना अमाउंट 2,500 या ठीक है इंश्योरेंस कंपनी से जो हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। और अब उसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, मेरी जर्नल एंट्री भी मैं इसी से बना रहा हूं, उसमें अक्रूड इंश्योरेंस क्लेम डेबिट, अक्रूड इंश्योरेंस क्लेम कितना 12,500 का, इधर आ जाएगा टू व्हाट, टू परचेसेस अकाउंट कितना 10,000, और टू नेट गेन बाय फायर या नेट गेन बाय जो भी अमाउंट है उसको अपन 2,500 कर देंगे उसमें, ठीक है फाइन। तो ये हमारा एडजस्टमेंट नेट लॉस बाय फायर विद इंश्योरेंस और एक विदाउट इंश्योरेंस हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे एडजस्टमेंट थे, ये हमारे एडजस्टमेंट थे जिसमें मैंने गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट बताया, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के ट्रीटमेंट्स बताए, ये हमारे बेसिक एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल लिप्स के सारे केसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आई होप इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी, थैंक यू।